आज मैं कुंदन कुमार आपको CBSE 10th क्लास फर्स्ट टर्म का ओसवाल सिंपल पेपर सेल्फ असेसमेंट 2 का ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन क्या ग्रामर सेक्शन की आज मैं चर्चा करूँगा। इसमें आप जानते हैं पहले से भी कि इसमें 6 क्वेश्चंस रहते हैं, 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है इंग्लिश सेक्शन में। तो भी आप देखेंगे क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, वेन माई टीचर एक्सप्लेन्स सम्स इन क्लास, जब मेरे टीचर क्लास में सम्स पर कुछ एक्सप्लेन करते हैं, आई डैश प्रैक्टिस एट होम, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके घर पर उसका प्रैक्टिस करता हूँ। इसलिए वैसे भी ये सेंटेंस का जो टेंस है वो किस में चलेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलेगा। इसलिए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई डू प्रैक्टिस। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पे है, यू सेड टू हिम इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर टू बी विथ माई फ्रेंड्स, नहीं? अब आप इसमें देखना पड़ेगा मुझे किसको बना के, पहले देखता हूँ किसका कौन सा ऑप्शन आपके दिए गए ऑप्शन से वो मैच करेगा। आपका दिया गया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है यू, ये जो चैप्टर जिसमें कुछ बुक में इसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी मेंशन किया गया रहता है, यू सेड टू हिम इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर टू बी विद माई फ्रेंड, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस के पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंतर बंद है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। और ये किस फॉर्म में है, तो डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में, ठीक? इसको चेंज करेंगे तो पहले मुझे देखना क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है। तो सेंटेंस मेरा असर्टिव है, तो यहाँ पर असर्टिव के मुताबिक ही सेड को क्या डालेंगे, टोल्ड। इस कारण टोल्ड डालें क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर टोल्ड डालें। इस इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है रिपोर्टेड स्पीच का। थर्ड पर्सन नो चेंज, जो पहले से आपको पता है, जब अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, और जब रिपोर्टेड स्पीच जब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, जो डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म से जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में लाएंगे, तो ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, गेव, गिव का वी टू गेव बनता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, उसी प्रकार यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगेगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रह जाता है। ग्रेट का ग्रेट ही छोड़ेंगे, प्लीजर का प्लीजर ही छोड़ेंगे, टू बी क्योंकि ये तो इन्फिनेटिव है, विथ का विथ ही छोड़ेंगे, माई फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार। जिस प्रकार आई का माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, सेम उसी प्रकार यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, योर। और फ्रेंड्स जो कि थर्ड पर्सन है, तो इसकी में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, तो योर फ्रेंड्स बन गया। इसलिए इसके दिए गए ऑप्शन से मुझे मिलाना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है, जो आप देखेंगे अभी। यू टोल्ड हिम दैट इट गेव यू ग्रेट प्लीजर टू वी विथ योर फ्रेंड्स, लगा क्या कि सही में इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, 20 का बी नंबर, ठीक। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं जो 21 का है, आई हैड लेफ्ट, मैं जब घर छोड़ा, वेन माई हस्बैंड अराइव्ड, जब मेरे हस्बैंड घर आए, नहीं? तो इसलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराइव्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस जो कि आपको पहले से पता है कि इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस एक्शन, और इस एक्शन को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन। प्रीवियस एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस भी लेता है, और सब्सिक्वेंट एक्शन हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लेता है, इसलिए वेन माई हस्बैंड अराइव्ड ही यहाँ लगाएंगे, जो कि ऑप्शन सही आपका अराइव्ड हो जाएगा। फिर बोलता है इफ ही डैश, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज, जो बच्चे थोड़ा सा स्टडी करे होंगे तो उनको पता होगा कि सबॉर्डिनेट क्लॉज एक्सेप्ट ऑलवेज सिंगुलर इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, क्योंकि यहाँ सिंगुलर लेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। और जब भी ये कंडीशनल सेंटेंस खास करके सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और
प्रिंसिपल क्लाउज के लिए हम फिर क्या लगाएंगे, तो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आप देखते हैं क्या है कि सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट दोनों का ऑप्शन सेम मिलना चाहिए। इफ ही विल कम नहीं लगेगा क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लाउज में विल नहीं लगाना है, हैज कम भी नहीं लगाना है, कम भी नहीं लगाना क्योंकि इफ ही कम तो लगेगा नहीं। सिंपल सी बात, आपका ऑप्शन बचा कौन, कम्स। तो इफ ही कम्स, अगर वह आएगा, वी विल गो विथ हिम, हम लोग भी उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा 22 का। 23 में आते हैं, रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गोन टू द प्ले ग्राउंड टू प्रैक्टिस फॉर द अपकमिंग मैच। नहीं, बोलता है कि रोहित एज वेल, ये याद रहे कि एज वेल एज एक प्रकार का फ्रेज है। ये एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट जैसा रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर एक्सेप्ट करेगा, जब सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा में यहाँ देख रहे हैं गॉन है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो रोहित के साथ हम हैव लगाएंगे नहीं, इज लगाएंगे नहीं, क्योंकि वॉज तो है नहीं। यहाँ हैज की चर्चा करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर मैं किसका स्टडी करूंगा, हैज लगाऊंगा, जो इसका सही ऑप्शन बी नंबर है, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। ठीक, फिर 24 में मैं आता हूँ। 24 में जो क्वेश्चन आपका है क्या दिया, फिर वो रिपोर्टेड स्पीच वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका दिया है क्या, प्रिंसिपल, मैं बार बार कहता हूँ कि आपका सेज टेल्स टोल्ड ये सब आपके दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मुताबिक चेंज होगा। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ, क्वेश्चन आपका बोल रहा है प्रिंसिपल सेज इज द लाइब्रेरियन प्रेजेंट टुडे। ठीक है, यहाँ पे देखा, अब आपको ये सब पता चल रहा है यहाँ तक के सेंटेंस के पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और ये सेंटेंस के पार्ट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका क्या है, तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यस नो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस इन्वर्टेड कमास को खत्म करने के लिए, इस नो क्वेश्चन के लिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। सेज की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आस्क लगाना पड़ेगा। और याद रहे कि जब भी कभी रिपोर्टिंग स्पीच जब अगर पास्ट टेंस में हो तभी हम टेंस में कोई परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच जब आपका प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का रूल कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ प्रिंसिपल सेज है तो प्रिंसिपल आस्क लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल आस्क। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए इफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इफ लगा। फिर अब यहाँ से यहाँ तक के पार्ट फिर किस मोड में आ जाएंगे, तो एसर्टिव मोड में आ जाएंगे। किस मोड में आएंगे, एसर्टिव मोड में। एसर्टिव मोड में जब आएंगे तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, तो द लाइब्रेरियन इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, द लाइब्रेरियन। अब यहाँ इज है, इज को इज में ही छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ क्या है, तो प्रेजेंट टेंस में है, लाइब्रेरियन इज, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही छोड़ेंगे। टुडे का आपको पहले से पता है क्या कि दैट डे लगता है। ठीक है, इसके दिए गए ऑप्शन से मुझे पूछा मुझे मिलाना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल आस्क्स, ठीक है, आस्क्स है ये, इफ द लाइब्रेरियन इज प्रेजेंट दैट डे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, 24 का बी नंबर। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं इसी प्रकार का वीडियो कंटिन्यूसली डालता रहूँगा कि ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक ठाक ढंग से हो जाए। थैंक्स अ लॉट।